एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग फिर दोबारा से कहाँ निकल पड़े हैं? कहाँ निकल पड़े पापा? पता नहीं, देखो आप कहाँ ले जाए मंजिल। अच्छा तो ये एक फिलोसोफर है जो आपको एक फिलोसफी सुना रहे हैं। तो हम लोग निकल पड़े हैं बच्चों के पास जाने के लिए, और बच्चों के पास अब हम बहुत जल्दी जल्दी चक्कर लगाते हैं, है ना पापा? और ये हसीन वादियाँ, यहाँ पे हमें आने में भी मजा आता है, इसलिए भी हम ज्यादा ही आते हैं। तो हम लोग निकल पड़े हैं बच्चों के पास। कैसा लग रहा पापा? बहुत बढ़िया। देखो ये पुल अब आया, जिस टाइम मैं वीडियो बना रही थी तब नहीं आया। तो हम लोग बच्चों के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। उनसे बड़ी मुश्किल से आज का टाइम मिला, क्योंकि पिछली बार जब हम गए थे ना तो खुशी से मिल के आ गए, ध्रुव के पास जा ही नहीं पाए। ध्रुव से मिलाए, मतलब मुलाकात ही नहीं हुई हमारी, ध्रुव से देखा ही नहीं हमने ध्रुव को बिल्कुल भी। तो इस बार हम दोनों बच्चों के लिए परमिशन मिल गई थी हमें कि हाँ आप मिल सकते हो दोनों बच्चों से। छुट्टी उन लोगों को नहीं मिली, वैसे हम लोग ना 2 दिन की लीव लेना चाह रहे थे, टाउन लीव ही, कि हम वहीं पे बच्चों के साथ में रह लेते, बट टाउन लीव नहीं मिली। तो उन्होंने हमारा जो है बच्चों से मिलना कर दिया कि आप मिलने के लिए आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए। तो बस बहुत इंजॉय करते आ रहे हैं। मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर दो, नहीं तो कैसे होगा फिर, है ना पापा? तो इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो अब जाते हैं, बीच में से हमें 2-4 चीजें लेनी है, वो भी लेंगे, उसके बाद बच्चों के पास पहुंचेंगे। तो अगर पॉसिबल हुआ तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो आज का अपडेट कुछ ये है। तो हम लोग ना बच्चों के लिए डोमिनोज से, इधर की साइड में है देखो डोमिनोज, तो डोमिनोज से हम लोगों ने पिज़्ज़ा लिया है बच्चों के लिए। तो यस मेरे लिए ले रहे हैं मोमो, मुझे मोमो खाने हैं। तो मैं बैठी हूँ बाहर ही, पिज़्ज़ा मैं उन लोगों के साथ ही खाऊंगी, क्योंकि हम लोग उनके लिए ना डोमिनोज से पिज़्ज़ा वगैरह लेके जा रहे हैं। ध्रुव ने बोला था कि मम्मी ले आई हो, मैंने कहा चलो ठीक है लेके आते हैं। तो अभी वो मेरे लिए मोमो लेके आ रहे हैं। और हम लोग, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, मौसम इतना बढ़िया है ना, रोड और बिल्कुल खाली रोड है, मतलब है भीड़ बहुत है मगर अभी नहीं रोड पे चल रहे हैं लोग, क्योंकि अभी इस टाइम ना बोटिंग का टाइम है। लेकिन इतना बढ़िया लग रहा है ना, बहुत ही बढ़िया, ठंडा ठंडा मौसम, गजब। और इधर है डोमिनोज। तो पापा लेके आए हैं मेरे लिए, क्या लेके आए? मोमोज। बच्चों के लिए कितनी देर है पिज्जा में? 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ये है मेरे मोमो। So yummy. यहाँ की जो चटनी होती है ना बहुत स्पाइसी। यस को तो पता है बहुत मिर्ची लगी, उन्होंने खाया ही नहीं। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं बच्चों की तरफ। ले लिया हम लोगों ने उनके लिए पिज्जा लिया, और के लिए और ब्राउन क्या था वो, चोकोलावा केक। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे बच्चों के पास। तो हम लोग आ गए हैं अंदर, तो बच्चों को अभी बोला है आने के लिए, तो अभी देखो कितनी देर में आते हैं। हाँ, बड़ा सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद। गया है और पापा जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। उधर से ही चलते हुए आना। मैं भी सोच रही थी। तो हम लोग लेके आए थे डोमिनोज का पिज्जा बच्चों के लिए, और ये देखो जरा अपने घर का पास्ता भी बना लाए थे, और क्या लेके आए हम घर का खुली हो रही है। ये खुशी का क्या था, बैंगन का भरता और पराठे, ये बैंगन का भरता, ये बैंगन का भरता, और ये इनके लिए पिज्जा, ये चोकोलावा केक, इतना सारा सामान। अभी कम से कम 2 घंटे हमारे साथ सिर्फ खाएंगे, है ना? नहीं जाऊंगा ऊपर। अच्छा, पीटी चल रही है मेरे को, मजा आ गया। पीटी होगी, कैंसिल, पीटी कैंसिल हो गई, ठीक है। और आराम से तू एंजॉय कर, तेरी वजह से पता हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया, बैंगन का भरता नहीं खाता, वो खुशी के लिए ही आया, ये अपना पास्ता खाएगा इसको खाने के बाद। आ गई तुम्हारी लड़की भाई, रील तेरे लिए हम पिज्जा लेके आए, बैठो। पता इसी के लिए तो देर लग गई बेटा, तेरा पिज्जा, इसका पिज्जा निकाल दे।
उधर जाइए आप, इधर क्या बैठे हैं? अरे बैठेगा वो, इधर बैठेगा। बैंगन का भरता। हाँ तेर। तो मैं कह रही थी मुझे बैंगन का भरता चाहिए। देख तो बैंगन का भरता हम तेरे लिए बनवा के ले गए। देखा मैं कह रही थी ना, मतलब वो पनीर के पराठे, पापा पनीर के पराठे बनवा रहे थे। नहीं मैंने उनसे बोला, मैंने कहा बैंगन का भरता खाएगी वो। हाँ हाँ मैं इनसे यही कह रही थी, देखा बैंगन का भरता खाएगी। बैंगन का भरता देख कितने खुश होकर बैंगन का भरता खाते हैं। इसीलिए हम घर का खाना जरूर लेकर आते हैं, क्योंकि इन लोगों को घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। और सब बढ़िया, तबीयत सही है? अब तो सही हो ही जाएगी। अब तो पिज्जा खाने में भी ना होगी तबीयत खराब। पिज्जा मेरे से किसी टीचर ने पूछा नहीं। कैसा लग रहा है पास्ता? मैं मिस्टर सांडू से बातें करने चली जा रही थी उधर बैठ के। बैंगन का भरता कैसा लग रहा है मिस्टर सांडू? और सर आपको कैसा लग रहा है? रूम भी पहली बार इतना बड़ा नहीं है। यहाँ सर सांडू बड़ा है, यहाँ मैम सामने खड़ी है, यहाँ मैम नोटियाल खड़ी है, और चारों तरफ हाउस मास्टर बैठा, तो मैं बीच में घेर रखा था। ऐसे हुई थी मीटिंग। अच्छा तो बस सही है, वैसी तो होनी चाहिए, बच के भी जा सकते हैं। ठीक है टिश्यू अपना टिश्यू। अरे बहुत कुछ पूछा हुआ है। ये देखो जरा दोनों बाप बेटों की क्या क्या बातें चलती रहती हैं। पता नहीं आज ये शीशा यहाँ से हट गया। चलो करो बंद करो इसे। हाँ कर दूंगी कर दूंगी। तो हम लोगों ने बच्चों से मिल लिए और अब हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग बच्चों से मिले 2-3 घंटे, है ना, 3 घंटे कम से कम हम लोग उनके साथ में रहे। बहुत ही अच्छा लगा। और देखो नीचे का व्यू देखो आप, ये नीचे है नैनीताल, ऐसे तो कुछ पता नहीं चलेगा, अभी मैं ऐसे बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बहुत ऊंचाई पे है इनका स्कूल। तो हम आ गए हैं अपने रूम में। पापा चाय पी लो, मैंने तुम्हारे लिए चाय मंगाई है। देखो आते से ही हम लोगों ने रूम में टीवी चला दिया, और ये भी चन्नी राजा का ही रूम है, लेकिन ये हमने चेंज कराया अपना रूम। ये हमें ऑनलाइन करा दिया था हमने, है ना, तो हमें रूम ही बीच का मिला है तो बहुत सुंदर देखने में। इंटीरियर इसका भी बहुत प्यारा है, जैसे पहले से ही होता है, बट क्या कहते हैं हम बीच में हो गए। खिड़की विड़की नहीं है इसमें, बहुत छोटे छोटे दरवाजे हैं, मतलब खिड़की है, लेकिन उधर की साइड से खोल नहीं रहे ना हम उन खिड़कियों को, वो साइड से है ना, तो हम लोग बीच में पड़ गए आज। आज हमें टेरिस के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। चाय मंगाई है, चाय पियेंगे पहले, बच्चों से मिलके आ गए, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया मैंने दिखा दिया रूम, तो थक गए अब करेंगे एंजॉय। जो है मैंने तो उसमें जो है होटल में भी जो है ब्लैक में मंगाई है पिया, तो आप यहीं के रहने वाले हैं? ऑमलेट यहीं के, स्ट्रीट साइड से बनाओ तो बहुत ही मजा आता है खाने में ना। शुरुआत पठानकोट पढ़ने लगी, बहुत तेज हवा चल रही है। इतने मजे हमने कभी नहीं लिए होंगे जितना इस बार ले रहे हैं। कहीं भी रुक जा रहे हैं, पता है, देखो ये वो है भुजिया बना रहे हैं, उसमें आप भुजिया बनवा रहे हैं। पहले हमने अंडे की ऑमलेट बनवा के खा ली, और हमारा मन कर रहा है कि हम भुजिया बनवा के खाएंगे। हम कैसे हो गए, कैसे हो गए उड़ते पंछी हो गए। बहुत मजा आ रहा है, पता है आज अंदर का मार्केट खुला हुआ नहीं है, तो यहाँ का बहुत रोनो कर लिया। इतनी भीड़ है नैनीताल में कि बस पूछो मत, बिल्कुल बहुत भीड़ है, बहुत एंजॉय करना है। चलो कितनी भीड़ है मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, है ना, कितनी भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पता है। सड़क क्रॉस करना भी बड़ा मुश्किल काम हो रहा है यहाँ पे। ओ मई मी मम्मी 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 मम्मी, चलो 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 चलो, ऐसा मेला सा लगा पड़ा है। अरे सब दिखा रही हूँ मैं, भीड़ ही भीड़ है, सारी दुकानें, इधर का पूरा मार्केट खुला हुआ है, लेकिन अंदर का भूटिया मार्केट पूरा बंद है। हाँ ये भी अभी खुला है, इलेक्शन की वजह से ये भी बंद था,
लेकिन बहुत पब्लिक है भाई, बहुत पब्लिक। इस बार मजा आ रहा है ना पी पाम पू में, चारों तरफ से पी पाम पू ही हो रही है। ये मंगाया है मैंने चिकन थाली, ये मेरे पापा, देखो ये वाला चार दिखाओ जो उस दिन भी हम लोग प्लेट कर बता रहे थे ना, ये देखो मिर्ची देखो पूरी पूरी। थाली इनकी आई है, क्या है दाल मखानी है ना, दाल मखानी सबसे सिग्नेचर है ये। कैसा टेस्ट बताओ, कैसी बढ़िया ना। खाना खा के हम लोग निकल पड़े हैं टहलने के लिए, तो हम लोग पूरी माल रोड पर टहल रहे हैं। कितना ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और इस टाइम बिल्कुल भीड़ भड़का खत्म। कितने बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। हाँ, और हाँ नीचे चड्डी नहीं, टांगों में ठंडी लग रही। इधर से चलते हैं, इधर से रोशनी अच्छी आ रही है, देखो देखो इधर रोशनी अच्छी आ रही है। आओ, ऊपर है, नीचे ठंड नहीं लग रही है ना, ऊपर ऊपर ठंड लग रही है, तो ऊपर पहन लिया कुछ, नीचे कुछ नहीं पहना। हम लोग टहल रहे हैं सड़क पर, इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतना बढ़िया लग रहा है ना, बहुत मजेदार। पूरी मॉल रोड खाली खाली टहल करो, मार्केट पूरा बंद हो गया इस टाइम, तो मॉल रोड पूरी टहली टहल। चलो बंद करते हैं, अब हम लोग टहलते हैं थोड़ी देर। तो अब हम लोग देखो यहाँ आके बैठ गए, और इतनी ठंडी ठंडी हवा में इतना मजा आ रहा है ना यहाँ बैठने में, हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है, बहुत हल्की हल्की, मुझे लग रहा है आप ओले वोले गिरेंगे यहाँ पे, है ना, जरूर। इतना ठंडा है, बहुत मजा आ रहा है, पता ये करना चाहिए। जैसे हम देखो यहाँ पे इतनी बार आते हैं, मतलब नैनीताल ऐसे हो गया जैसे हमारा घर है नैनीताल में इस तरह से, लेकिन हर बार कुछ नया सा लगता है, क्योंकि हम लोग इंजॉय बहुत करते हैं नए नए। आंख बंद करके भी अगर चले ना, तो गाड़ी जो है नैनीताल पहुंचा देगी। कभी भी मन बच्चों की याद आती है ना, तुरंत मेल डाला और बस डिसाइड हो गया कि चलो। फिर एक नाइट हम लोग अब रुकने भी लगे हैं, क्योंकि एकदम से फिर जाना आना फिर बहुत लंबा हो जाता है, और मतलब थक भी जाते हैं पूरे दिन, तो हम लोग यहाँ पर रुकने का प्रोग्राम भी बनाने लगे, तो हम लोग चन्नी राजा को बुक करा लेते हैं, उसके सामने ही बैठे हैं हम लोग। अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे और जाके सो जाएंगे। 11 से भी ज़्यादा हो गया इस टाइम, 11:15 हो गया, और हम लोग बाहर बैठे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये रोड ना बिल्कुल खाली हो गई अब तो, बहुत ही कम लोग चल रहे हैं इस टाइम। बारिश होने लगी, चलो चलो चलो।